विधानसभा में चल रहे सत्र में ही होगा उपाध्यक्ष चुनाव। कल सुबह 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और आदिवासी वर्ग से ही हो सकता है प्रत्याशी। स्वर्गीय मनोज मंडावी के निधन के बाद ये पद रिक्त हुआ है। रेस में संतराम नेताम दलेश्वर साहू का नाम आगे चल रहा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 5 जनवरी को विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा में चल रहे सत्र में ही उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। कल सुबह 11 बजे नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि आदिवासी वर्ग से ही हो सकता है प्रत्याशी। अधिक जानकारी सर प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से अभी तक परंपरा या परिपाटी चली आ रही है कि विधानसभा में अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पार्टी का होता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का, लेकिन हालांकि चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, कुछ समय से ये परिपाटी टूट गई है और परिपाटी टूटने के बाद अब चुनाव होता है, अन्यथा चुनाव नहीं होता था। तो अब ये चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के ही पास ज्यादा वोटिंग है तो उनका ही उपाध्यक्ष बनने वाला है। कौन कौन इस रेस में नाम शामिल है? जी आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव 5 जनवरी को है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निर्धन के बाद से पद खाली है। 3 प्रत्याशियों का नाम दौड़ में चल रहा है, एक अपना दलेश्वर साहू और संतराम नेताम जी और दलेश्वर साहू और लकेश्वर बघेल। तो इसमें सबसे आगे नाम चल रहा है संतराम नेताम। संतराम नेताम देखिए आदिवासी क्षेत्र में बड़ी पकड़ रखने वाले नेता है। संतराम नेताम तो दूसरी बार के विधायक भी हैं, केसकाल से दूसरी बार के विधायक हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे स्वभाव के नेता है। कहा जाता है कि बस्तर में काफी आदिवासी क्षेत्र में पकड़ भी रखते हैं और आदिवासी इलाके में बड़ी जीत भी है इनकी। नेताम की शुरुआत पुलिस विभाग से हुई थी, हवलदार के पद पर थे। वह हवलदार के पद पर रहने के बाद उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया और विधानसभा चुनाव लड़ा। 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते, काफी अच्छे वोट से उन्होंने जीते हासिल की और दूसरी बार विधायक वो 2018 में उन्होंने दूसरी बार विधायक बने। संतराम नेताम आदिवासी वर्ग में वैसे देखिए वैसे भी अभी छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, इसके चलते तो उपाध्यक्ष सरकार से कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अभी निराश चल रहा है, तो इसी को देखते हुए सरकार आदिवासी उपाध्यक्ष बनाने जा रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है जिस तरह से चुनाव नजदीक है और ऐसे में कोई भी पद आता है तो वो चुनाव से प्रेरित ही होता है, तो आदिवासी वर्ग को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश होगी उपाध्यक्ष के पद पर किसी भी आदिवासी नेता को बिठाना। सत्ता पक्ष का क्या कुछ निर्णय है या इन तीनों में से सत्ता पक्ष का चाहिता कौन है और साथ ही में विपक्ष आखिर किस पर हामी भर सकता है कि हाँ ये वाला व्यक्ति, जैसे कि 3 नाम लिए गए हैं जिसमें विपक्ष भी सहमत हो कि हाँ ये वाले व्यक्ति को इस पद पर बिठाना चाहिए? जी देखिए सत्ता पक्ष से ही उपाध्यक्ष बनाया जाएगा क्योंकि कांग्रेस के पास कांग्रेस से ज्यादा विधायक का मेंटेनेंस है और इसीलिए निविरोध होंगे और विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम निविरोध चुने जाएंगे और आदिवासी इलाके से आते हैं इसलिए इनको निविरोध बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं लगभग तय है इनका उपाध्यक्ष बनना, लगभग तय है। जी बिल्कुल ये तय है क्योंकि उनके पास सदस्य ज्यादा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष में भाजपा जो बैठी है वो इन तीनों नामों से किसी से इत्तेफाक तो रखती होगी, किसी से संबंध अच्छे होंगे या वो भी चाहती होगी कि हाँ ये वाला व्यक्ति इस उपाध्यक्ष पद पर बैठे। देखिए भाजपा के पास उम्मीदवार खड़े करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है तो इसलिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या है, 70 से ज्यादा विधायक है, इसलिए जो सत्ता पक्ष का निर्णय होगा वही निर्णय माना जाएगा। ठीक है प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रदीप जिन्होंने जानकारी दी है। 5 जनवरी को विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव है, जाहिर है कि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा विधायक है तो निर्विरोध ये चुनाव होगा और उन्हीं का उपाध्यक्ष इस पर बैठेगा। जो नाम शामिल आ रहे हैं सबसे प्रबल दावेदार हैं संतराम नेताम जो कि आदिवासी नेता है। चुनाव नजदीक है, आदिवासी वर्ग नाराज भी चल रहा है कुछ, तो जाहिर सी बात है उसे साधने के लिए किसी आदिवासी नेता को बिछाया जाएगा।